कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं होते जब नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जब हमें नींद नहीं आने देते। कलाम साहब ने 5 बातें ऐसी बताई थी और कहा था कि हर व्यक्ति को उठने के जस्ट बाद ये 5 बातें अपने आप से बोलना चाहिए। वो 5 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, उठने के जस्ट बाद अपने आप से ये कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, यानी इस पूरी दुनिया में दूर दूर तक मेरे कंपैरिजन में कोई नहीं है। अभी एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं सबसे अच्छा कैसे हो सकता हूँ, कई लोग मुझसे अच्छे अच्छे बैठे हैं यहाँ पर, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, आपके एक्शन डिपेंड करते हैं आपकी थिंकिंग पर, कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या मानते हैं। तो आपको ये मानना होगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर आप हर सुबह उठने के बाद अपने आप से ये बात कहते हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और अगर इस बात को आपने मान लिया, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सबसे अच्छे होंगे। दोस्तों, दूसरी बात जो कि हर सुबह उठने के बाद आपको अपने आप से कहनी है, वो ये है कि मैं यह कर सकता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक सपना होता है, लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो उन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। तो अपने आप पर विश्वास करिए और हर सुबह उठने के बाद अपने आप से कहिए कि मैं यह कर सकता हूँ। तीसरी बात जो हर सुबह अपने आप से कहनी है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, हर इंसान के साथ जब भी कोई बुरी घटना होती है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। दोस्तों, भगवान पर विश्वास बनाए रखें। क्या आपको लगता है कि भगवान किसी के साथ बुरा कर सकते हैं? भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करते हैं उसमें किसी न किसी का भला ज़रूर होता है। हो सकता है उसमें हमारा भला ना हो, लेकिन हमारी वजह से किसी दूसरे का भला जरूर हो सकता है। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें और अपने आप से कहें कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। चौथी बात जो अपने आप से कहनी है कि मैं एक विजेता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग हारे हुए हैं, और जब भी ज़िंदगी में हार जाते हैं तो वो हारा हुआ ही मानते हैं, कभी अपने आप से नहीं कहते कि मैं एक विजेता हूँ। जरा मान कर तो देखो कि मैं एक विजेता हूँ। जैसे ही आप अपने आप से ये बात कहोगे कि मैं एक विजेता हूँ, आपके एक्शन जो होंगे वो विनर के जैसे होंगे, ना कि एक लूज़र की तरह। तो ज़रा सोचिए कि आपके एक्शंस विनर की तरह होंगे तो क्या आप एक विनर नहीं है? दोस्तों, पांचवी बात अपने आप से जो कहना है वो है कि आज का दिन मेरा दिन है। आज तक जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आज का दिन मेरा दिन है। इस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। अगर आज भी आपने वही किया है जो कल तक आप करते आए थे, तो आज भी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपको कल तक मिलता आया है। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप हर रोज क्या काम करते हैं, और जो भी आप काम करते हैं उस काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो हर सुबह उठने के बाद अपने आप से कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, और इस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, उन पाँचों बातों को एक साथ देख लेते हैं जो आपको सुबह उठकर अपने आप से बोलना है। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, और आज का दिन मेरा दिन है। दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।